तो मैं इस बच्चों पर चैनल मेरा अहमदाबादी और आज हम जानने वाले चंद्रयान 3 के बारे में। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पूरा का पूरा रॉकेट चंद्र पे जाने वाला है, वो ऐसा नहीं है। कौन सा वायर चंद्र पे जाता है और आंसर क्योंकि जो वापस आता है उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। चलो फिर चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। होता है ये रॉकेट, पहला ये देखिए ग्राफिक्स में आपको दिखाई देगा कि पहले कौन सा भाग अलग होता है वो मैं आपको दिखाता जाऊँ। देखो पहले ये देखो साइड वाले बूस्टर है वो पहले अलग हुए, उसके बाद ये देखो ये जो पूरा दूसरा वाला जो है वो बात थोड़ा अलग हुआ, वही गाइस देखते जाइए हम। उसके बाद ये देखो ये तीसरा वाला अलग हुआ गाइस, और ये फिर ये देखो आखिर में होता है ये चौथा वाला, और फिर आखिर में जो जो ये जब उस पूरा ज्ञान है छोटा होना वही वही जाता है चंद्र पे। ओके इसके बारे में डिटेल जो अभी ये जो लॉन्च हुआ है वो कैसे मतलब लाइव फुटेज आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये जो फुटेज है वो इसरो की साइट से इन्होंने लिया हुआ है, तो वहाँ से ही आपको ये पूरा डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा। ओके तो फिर ये देखिए आगे की वीडियो आएगी इसरो के बारे में। ओके चलिए M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के निर्भार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और पर ऑन योर टीवी स्क्रीन्स यू आर वॉचिंग द विजुअल्स फ्रॉम सेकेंड व्हीकल असेंबली बिल्डिंग वेयर द फुल LVM3 M4 रॉकेट हैज बीन असेंबल्ड। These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S-200 has got 3 segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S-200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S-200 स्टेपॉन बूस्टर्स के साथ L-110 को भी संलग्न कर दिया गया है, और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये CE-20 इंजन, बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। टीसीटीसी शार 182 कंफर्म, नॉर्मल 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहां आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को, ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ
अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। माइनस 22 मिनट्स, रिक्वेस्ट ऑल स्टेशंस चेंज ओवर टू चैनल 2 एट टी माइनस 21 मिनट्स। नो कंफर्मेशन। सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात एमसीसी कंफर्म्स डेटा फ्रॉम चैन 2। इस समुच्चय को आरएसडी कंफर्म्स डेटा फ्रॉम चैन 2 पेलोड पेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्षयान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 21 मिनट्स 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। चेंज ओवर टू चैनल 2। रोडी रोजर। आरएसओ टू आरओडी, रेंज सेफ्टी सिस्टम्स आर रेडी। आरओडी रोजर। सीएनसी टू टीटीसी डायरेक्टर। अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। पूर्ण संयोजित और तैयार LVM-3M4 रॉकेट आगे की जांच। LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल इज रेडी फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। मिशन डायरेक्टर रोजर। मिशन डायरेक्टर टू नो। अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर। मिशन डायरेक्टर रोजर। आरओडी टू मिशन डायरेक्टर, range is ready for LVM-3M4 Chandrayaan 3 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All track stations and network is ready to support LVM-3M4 Chandrayaan 3 mission. Range Operation Director, Telemetry Tracking and Command Director, Satellite Director और Vehicle Director अपने तंत्रों की जानकारी Mission Director को देते हैं। 10 VHPP open. MOV 79 open. Minus 33 seconds. Minus 30 seconds. Real time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर। प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैप ऑन, द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन। दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड ऑफ हाइपरबोलिक Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated.
घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, payload fairing को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LVM-3 M-4 rocket का द्वितीय चरण प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth at sight and delineating the structure of the lunar crust and mantle. Payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives normal. Through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में तीन पेलोड हैं, रोवर में दो और प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतरग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मूनबाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा।
रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्भर है शेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। चंद्रयान 3 हैज अटेन्ड अ मेजर माइलस्टोन सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। दिस इज मिशन कंट्रोल, मिशन डायरेक्टर। The LBM 3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LBM 3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LBM 3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center.